हम हैं भी एक तरफ। अजय आलोक ने लालू प्रसाद यादव का नाम लिया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ था। नहीं, वो तो इशारा करेंगे ही और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। निर्लज्जता की भी एक सीमा है रूबिका जी। जो लोग लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे हैं उनसे पूछिए सवाल तो उनको मिर्ची लग जाएगी। कुछ सवाल अगर हम कर देंगे अजय आलोक जी डिबेट छोड़कर भागने लगेंगे। इनसे पूछिए जिस संविधान की ये बात कर रहे हैं करिए, 15 वर्षों से शासन में है, क्या किया है? 3 संविधान में लिखा है 3 नंबर की पार्टी वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। कुर्सी के खातिर संविधान और लोकतंत्र का गला जिन्होंने तार तार कर दिया, गला घोट दिया, वो संविधान और लोकतंत्र बता रहे हैं। अजय आलोक जी की पार्टी पूछिए अभी उपचुनाव बिहार में हुए, भाषण नहीं तर्क के साथ दिया, भाषण नहीं तर्क, तर्क के साथ सुनिए ना भाई, हाँ तर्क दे रहे हैं। कुशेश्वर स्थान में किनको टिकट दिया? तर्क के साथ। कितने लोग हैं आपके पार्टी में जो परिवार? अरे तर्क तर्क, कुशेश्वर स्थान में किनको टिकट दिया था बता दीजिए, ये तर्क है कि नहीं? अमरपुर में कौन है आपके विधायक जो अभी मंत्री है, उनके पिता थे ना विधायक पहले? तो अपने परिवारवाद, राजनाथ सिंह जी के बेटे, वसुंधरा राजे के बेटे, कल्याण सिंह जी के पोते, मेनका गांधी, वरुण गांधी, परिवारवाद का अर्थ ही नहीं समझते, समस्या ये। अरे सुन लीजिए, परिवारवाद का आप लोग अर्थ नहीं समझते मृत्युंजय जी, हमको मत समझाइए। परिवारवाद का अर्थ ये नहीं होता कि एक परिवार से 2-3 लोग राजनीति में नहीं आ सकते। ये बड़ा दिलचस्प है, परिवारवाद का अर्थ ये है। अजय जी ये बड़ा दिलचस्प है, आज परिवारवाद पर डेफिनेशन भी आ गई है। संगीत रागी जी इस नई डेफिनेशन की व्याख्या करेंगे, एक सेकंड रुकिए मृत्युंजय जी, समझ लेते ना। तो आज एक नई डेफिनेशन भी आई है। ऐसा नहीं होगा, हमने धैर्य पूर्वक सुना, हमारी बातों को भी सुन लीजिए। अच्छा 20 सेकंड। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष सचिव बन सकता है क्योंकि वो अमित शाह जी का बेटा है। कौन सा क्रिकेट खेला है उन्होंने? ये कौन सा परिवारवाद नहीं है ये बता दीजिए हमको। और अजय आलोक जी यही लड़ाई है संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। हम तो जनता के आशीर्वाद से सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में है, लेकिन आपने तो अनैतिक गठबंधन किया। ओके मृत्युंजय जी, महागठबंधन से ठीक है, मैं जवाब लूंगी। अब आप एक मैं पहला ब्रेक लूं मृत्युंजय जी, उससे पहले प्रोफेसर रागी से भी सुन लेते हैं, पहले ओपनिंग रिमार्क प्रोफेसर रागी से भी सुन लेते हैं ना सर। दुर्भाग्यपूर्ण है, समानता, समानता का आज जिक्र है तो सबको समान रूप से बोल लेने दीजिए, उसके बाद डिबेट हो जाएगा। प्रोफेसर रागी, लगता है कि स्पष्ट तौर पे परिवार और राजनीति में परिवार का होना दोनों के बीच में अंतर किया है और इस बात को हम बहुत दिनों से दोहरा रहे हैं। देखिए, राजनाथ सिंह का बेटा राजनीति में आ सकता है, वह चुनाव लड़ सकता है, वो जीत सकता है। लालू जी का बेटा राजनीति में आ सकता है, लड़ सकता है, कोई बुराई नहीं है। नीतीश जी का बेटा आ सकता है, राजनीति में लड़ सकता है, लेकिन परिवारवाद उसे कहते हैं जब एक परिवार ही पूरी पार्टी को संचालित करती है, वही तय करता है कि वोट किसको किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, वही तय करता है कि उस पार्टी का नियंता कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, यदि मुख्यमंत्री बनना है तो कौन बनता है, हल्का लंबा, प्लीज 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 थोड़ा सा सिविलाइज बन जाइए, अभी आप बच्चे हैं, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। इसी को परिवारवाद कहते हैं, परिवारवाद इसी को, इसीलिए देखिएगा जितनी रीजनल पार्टियां हैं, उत्तराखंड जितनी रीजनल पार्टियां हैं, कमोबेश कुछ एक को छोड़ करके यदि जेडीयू को छोड़ दे तो बाकी के पार्टी सारे पार्टियां जो है वो परिवारवाद की चल रही है। मुलायम सिंह यादव की पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, एक परिवार चलाता है, श्रोमणी अकाली दल को एक परिवार चलाता है, जो 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 देवगौड़ा की पार्टी है वो परिवार चलाता है, आप रामविलास पासवान की पार्टी जो है वो परिवार चलाता है, अब ममता बनर्जी की पार्टी में जो है ममता और उनके भतीजे उनके चलाते हैं, तो कमोबेश आप उन सबके साथ रहे हैं। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी ने भी तो उन परिवारों के साथ से सरकारें बनाई हैं, तो अगर आप लोग सब जब तक चाहेंगे नहीं तब तक ये परिवारवाद तो चलता ही रहेगा।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।